Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. माननीय सदस्य में बनाया जाए और कोल्हापुर जी अरविंद चव्हाण जी प्लीज कंक्लूड अरविंद चव्हाण जी. आदरणीय चेयरमैन सर, रेल के पूरक अनुदान पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद. सर, आज बहुत सारे भाषण मैंने सुने, सभी लोग भूल गए. इस देश में, पूर्व हिंदुस्तान में, पूरी एशिया में पहली ट्रेन इस देश में अगर कहीं चली तो वो उस वक्त की विक्टोरिया टर्मिनस से ठाणे पे चली 1853. और ट्रेन जिसने शुरू करी उनका नाम है जगन्नाथ शंकर सेठ. जीआईपी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, वो रेल शुरू हुई 1853 में. ये जीआईपी रेल का ऑफिस भी नाना शंकर सेठ जी ने अपने बंगलों में घर शुरू कर दिया. आपके भाषण में यहाँ उल्लेख है इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में शुरू हुई, लेकिन 1853 में इस देश में जो ट्रेन शुरू हुई उसका कहीं जिक्र नहीं. मुझे दर्द है, दुख है, मैं व्यथित हूँ. पिछले 10 वर्ष से मैं मांग करते आया हूँ कि स्वर्गीय नाना शंकर सेठ जी का नाम मुंबई सेंट्रल के स्टेशन को दिया जाए. नाना शंकर सेठ जिन्होंने इस देश पे रेल लाई, अपनी जमीन दी. आप मुंबई में कभी गए होंगे तो रानी बाग, जेजे स्कूला पार्ट, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, एल पिस्टन स्कूल, एल पिस्टन कॉलेज, ये सारा नाना शंकर सेठ की तिथि देन है. उन्हें मुंबई में आद्य शिल्पकार कहते, प्रगति का, समाज सुधार का. वो नाना शंकर सेठ जी का नाम मांग करते करते थक गया हूँ. इतने छोटे दिल के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, भूल गए वाजपेयी जी की बात, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता. 10 वर्ष कोई राजनीति की बात नहीं सर. जिस शख्स ने इस देश में रेल शुरू की उसका नाम आज तक नहीं दे पाए. हाल ही में उस विक्टोरिया टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुआ. आप अगर मुंबई में जाओगे तो विटी स्टेशन कहते थे पहले, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है. शाम को बहुत खूबसूरत किया जाता है. आजकल ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छा कर रही रेल, जो अच्छा है उसको अच्छा कहूँगा, बहुत खूबसूरत दिखता है. मैं मांग करता रहा, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नाम दिया है, मैंने मॉडल भी दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान बैठे हैं, ऐसा ज़्यादा ऊंचा नहीं करना, उस इमारत को शोभा देगी, उसकी शोभा और बढ़ाएगी. वो पुतला वहाँ खड़ा करे, इन्होंने पता नहीं एक पुतला बनाया था, अभी भी पड़ा हुआ है उनके, वो भी नहीं लगाया. अब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते, भारतीय जनता पार्टी तो घोषणा देती है. उस दिन भी मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ, तो पुतला बनाओ ना भैया, क्यों नहीं कर रहे आप. मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूँ, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पर आई जाने रे, ये पीड़ा है हमारी, हमें मांग करनी पड़ती है, वो भी हमारे शर्मनाक रहे. बिना मांगे करना चाहिए, नाना शंकर सेठ जी का नाम देने के बिना मांगे होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू बिना मांगे होना चाहिए. मांग करने पर भी आप करते नहीं हो, ये आपके लिए कोई भूषण बात नहीं है. सर, और एक बात है, रेल में बहुत सारी रेल की सेवाएं मांगती है. लैंड पॉलिसी, ये इस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है. सिर्फ रेल की बात नहीं है, सरकारी उद्यमों की भी बात है. इनके पास लैंड है, एनटीसी की लैंड है, रेल की लैंड है, बहुत सारी बीपीडी की लैंड है, ये सारी लैंड पड़ी हुई है, एनक्रोचमेंट हुआ है. हाल ही में बरसात में सरकार ने कोर्ट ने कहा किसी की झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़नी नहीं है. परेल में 25-30 बरस से लोगों के घर थे, वो तोड़ दिए इनके अधिकारियों ने. सारे अधिकारी कहा, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, भैया बारिश में तो मत तोड़ो, कोर्ट के आदेश है नहीं तोड़ना है, तोड़ दिया. इतना इनह्यूमन, इस तरह से आप बर्ताव करते हो, तभी तो इतना सब एक्सीडेंट हो रहे, तो कुछ दर्द नहीं होता आपको. इतने सारे 5-6 जून मुझे 2023 296 लोग कि लोगों की मृत्यु हुई, ये कोई फिदर इनके आप नहीं है. आपके लिए कवच कहाँ है, कवच तो इनको है, उनको नहीं, कवच गए.
एक कवच लाया था ना, एक्सीडेंट अभी भी रोक नहीं पा रहे आप। और मैं इसलिए मांग करता हूँ लैंड पॉलिसी के बारे में सरकार पूरा ध्यान दे, खुद की जगह अच्छी तरह इस्तेमाल करो, जो करना है वो करो, लेकिन वहाँ के जो घर है पक्के घरों के वादा कर दो आप, और पक्के घर जिनके उनके तोड़ देते हो तो उसको पक्का घर तो दे दो। अगर आपको दिक्कत है राज्य सरकार से बात करो, नहीं करते हो आप बात, न राज्य सरकार से बात करते हो, रुपया घर तोड़े जा रहे हो। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ गई भैया, नहीं सोचते, अंतर्बन में दिखता नहीं। इनके जीएम लोग जो बैठे हैं ना, वो तो लगता है भाजपा का कार्यकर्ता बैठा है कि क्या, ऐसा लगता है उनके उनके बर्ताव से भी ऐसा लगता है। इन ह्यूमन, नन ऑफ देम आर अवेलेबल। मैं कॉल करता रहा सभी को, डीआरएम से लेकर सभी को, एक ने भी जवाब नहीं दिया, सब भाग चुकी, झुबड़ी तोड़ दी। अब रही, इसके लिए एक बार नीति बनाओ। सद्भाग्यवश हमारे महाराष्ट्र में एक अच्छा एसआरएस स्कीम है सर, उस स्कीम में सरकार मुफ्त में घर देती है, तो थोड़ा सा करो डील, दे देगी सरकार। बोलो हमारे यहाँ उनको डेवलपमेंट के लिए इनको खाली करना है, दे देगी, बात नहीं करते किसी से। अभी उनका एक महाविकास रेलवे कॉरपोरेशन है, बेलासिस रोड पे पुल बनाने जा रहे हैं, मैंने खुद जाकर पूछा कैसे बना रहे भैया, कुछ तो देखो। जिसको मुंबई की पहचान नहीं, जान नहीं, बस इंजीनियर है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें तो पता है कि वहाँ की दिक्कतें क्या है, बस बनाओ, तोड़ दिया ब्रिज, और बाद में दिक्कतें पैदा होती है। सांसदों को विश्वास में लेकर करो, हम आपको सहयोग करेंगे, तो अच्छा काम है। सर सर, दो मिनट में खत्म, तो 9 मिनट बोला था, नहीं अभी 9 मिनट बाकी है मेरे, नहीं खत्म। कोंकण रेलवे की बात की, डबल लाइन की, सुबह माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, मैंने देखा था, सुना था, गलत जवाब है। कोंकण रेलवे के लिए लड़ा महाराष्ट्र, लड़ाई महाराष्ट्र ने की, मधु दंडवत थे, रेल मंत्री थे, तभी कोंकण रेलवे बनी। मुंबई से गोवा तक थी, अभी केरला तक जाएगी, अच्छी बात है, अब ना नहीं कहते आपको। इन्होंने कहा 4-5 राज्यों के अनुमति लीजिए, कुछ जरूरत नहीं है, मुंबई से गोवा तो करो, उसमें क्या दिक्कत है आपको, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और डबल लाइन आज भी चालू नहीं हो रही, उसका कोई काम नहीं हो रहा है। मुंबई गाजियाबाद, हापुरा, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, ऐसे एक ट्रेन जाती है वो 9075 मुंबई कटम गुड़ाम, ये स्टेशन पे रुकती नहीं है। एक मिनट बांध खत्म करता हूँ। मुंबई रणकापुर एक्सप्रेस, उनके लिए नाना स्टेशन पे रुकना है। मैं बार बार वहाँ के राजस्थान के लोग मेरे मुंबई में ज़्यादा रहते, मांग कर रहे नाना स्टेशन पे रुका दे, इनका नाना चालू होता है, हाना नहीं होता है, नाना नहीं, नाना चालू है। नांदेड़ डिवीजन सर, हमारे महाराष्ट्र में नांदेड़ डिवीजन है, वो आती है साउथ सेंट्रल रेलवे में, नांदेड़ है महाराष्ट्र में, साउथ सेंट्रल रेलवे उसके अधिकारी, वो जो मन मर्जी चाहे करते, महाराष्ट्र के लोगों के लिए सेवा लगती है। वहाँ हमारे सिखों का बड़ा गुरुद्वारा है नांदेड़ में, तो वो ट्रेन के बारे में भी, वो अगर नांदेड़ डिवीजन आप सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत लाओगे तो आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये मेरी मांग है सर, मैं आपसे इतनी बात करता हूँ कि जो मैंने शुरू में मांग की थी वो मांग फिर फ्रेट के बारे में बोलूंगा। सर आप, मेरी विनती आपको, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी बनी अभी आसान पे बोलिए, उनके रेल के ट्रैक है, अपने रेल के बोले आप अच्छे है सर दिखने के लिए, एक मिनट में कहता, वो रेल का ट्रैक अपने पैरेलल चालू है। मैंने उस वक्त नितिन गडकरी जी शिपिंग मिनिस्टर थी, तभी भी मैंने उनकी मीटिंग करवा ली थी, वो इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत बहुत फायदा होगा उसका। एग्जिस्टिंग ब्रॉडगेज ट्रेन ट्रैक है, राइट फ्रॉम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस टू कुर्ला तक जाती है, ठीक है, वो तो वहाँ एक काम करने की बात है। मैं इतना ही आपसे जो महत्वपूर्ण करके पहली दो मांगे पूरी करेंगे, आप हमारी पीड़ा दूर करोगे ऐसी अपेक्षा करते, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद सब। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपला आभारी आहे।